नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ नई जानकारी के साथ। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सीबीएसई क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट आ गई है। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डेट शीट दिखाऊंगा और बताऊंगा कब से आपका एग्जाम होगा। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, बस आप लोग पेशेंस रखिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, अब आपको दिखा देते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट। दोस्तों देखिए, डेट शीट है जो ऑफिशियल जारी किया गया है और ये क्लास ट्वेल्थ के लिए है और आप सबका एग्ज़ाम 2 जुलाई से स्टार्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आप सबका एग्ज़ाम 2 जुलाई से स्टार्ट है। सभी सब्जेक्ट के लिए आप एग्ज़ाम 2 जुलाई से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, आप लोग बस तैयारी करते रहिए। आप सबकी डेट शीट आ गई है, ये क्लास ट्वेल्थ का डेट शीट है। अब क्लास टेंथ का डेट शीट दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्लास टेंथ कंपार्टमेंट की डेट शीट है और आप सबका एग्ज़ाम 2 जुलाई से स्टार्ट है और 10 जुलाई तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आप सबका एग्ज़ाम 2 जुलाई से स्टार्ट है और 10 जुलाई तक चलेगा। और सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा और आप लोग इसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम देंगे, अवश्य पास हो जाएंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप ज़रूर पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने मेन एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो मेहनत किया ही है और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप पास हो जाएंगे। और दोस्तों पास हो जाएंगे तो आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा, आप आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे और इस परेशानी से आप दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी जान सकें, क्योंकि वो भी परेशान हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म डाले हैं और उन्हें इंतज़ार है कब से एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।